सूर्य किरण चिकित्सा में लाल रंग के प्रयोग से मिलने वाले लाभ। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने नीले हरे रंग के प्रयोग का आपको बताया कि क्या क्या लाभ मिलता है, क्योंकि हर रंग का प्रभाव अलग है। नीला रंग जहाँ ठंडा है, हरा रंग आपको आपके अंदर के इन्फेक्शन को दूर करता है, तो उसी प्रकार जो लाल रंग का जो प्रभाव है वो गर्म है, ये हमें बहुत अधिक गर्मी प्रदान करता है और इसकी जो तासीर है बहुत गर्म है। इसीलिए हर प्रकार के कफ प्रधान रोगों को ये दूर करने में बहुत लाभकारी है। किसी भी प्रकार का कफ प्रधान रोग हो, इसके प्रयोग से आप उसमें जरूर आराम पाएंगे, क्योंकि मैंने निमोनिया के एक मरीज पर इसका प्रभाव देखा था। उसकी मालिश लाल रंग के तेल से की और लाल रंग की रोशनी डाली थी, जिससे उसका निमोनिया में बहुत जल्दी आराम आ गया था। देखिए, पीने के लिए तो लाल रंग की बोतल में हम पानी नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि लाल रंग का पानी पीने के काम में नहीं आता है। आपको पीने के लिए तो आपको नारंगी रंग की बोतल या पीले रंग की बोतल लेनी पड़ेगी। उसमें जो चार्ज करेंगे पानी, वही पानी आप पीने के काम में ले सकते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो तासीर बहुत गर्म है, नारंगी रंग की कम गर्म है। इसलिए पानी पीने के लिए और चीनी भी अगर हम चार्ज करते हैं तो नारंगी या पीली बोतल में करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ दो रंग है, पीला भी गहरा नारंगी रंग के करीब करीब है। इससे हमारा क्या है, भूख बढ़ती है। पीने के लिए मैंने बोला नारंगी रंग का पानी लेते हैं, पीले रंग का पानी या नारंगी रंग का पानी पीने से भूख बढ़ती है, और इसका प्रयोग खाना खाने के बाद करना होता है। खाने के पहले तो हमेशा हरी बोतल का पानी पीते हैं, लेकिन जब हमको दवाई के रूप में डाइजेशन संबंधी समस्या में लेते हैं तो खाना खाने के बाद लेते हैं। ये पेट की गैस को दूर करती है, एसिडिटी से बचाती है और साथ ही साथ लीवर और स्प्लीन को ताकत देती है। नारंगी रंग का पानी पीने से लीवर हेल्दी रहता है और स्प्लीन भी हेल्दी होती है। ये हमारे शरीर में लाल रक्त कणों को बढ़ाती है, रेड ब्लड सेल इसके पानी को पीने से बढ़ते हैं। नारंगी रंग का पानी रोज़ पीने से, अगर हम रोज़ पीते हैं तो मलेरिया से बचाव होता है। लेकिन हाँ, बुखार में इसका पानी नहीं पी सकते हैं। बुखार अगर हो तो नारंगी रंग का पानी कतई ना पिए। उस समय आपको नीली या हरी, जैसा बुखार के तेजी हो, मैंने बताया कि एक से कम होता है तो हरी बोतल का पानी पीते हैं, वरना नीले रंग की बोतल का पानी पीते हैं। और अगर बुखार नहीं है, आप रोज़ पी रहे हैं, तो मलेरिया से बचे रहेंगे। नारंगी रंग की पानी का ये कमाल है और ये बुजुर्गों के लिए टॉनिक का काम करता है। नारंगी रंग का पानी बड़ी उम्र वालों के लिए टॉनिक का काम करता है, उनके शरीर में ताकत मिलती है। बहुत मोटे अगर लोग हैं, मोटापे को तो कम करेगा लाल और ऑरेंज कलर के बॉटल का पानी, और साथ ही साथ जो गठिया के रोगी हैं, गाउट के मरीज हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। अगर वो ये पानी पीते हैं तो उनको उनके दर्द में आराम आएगा, गठिया रोग धीरे धीरे दूर होगा। उसमें लाल रंग के तेल की मालिश करते हैं और नारंगी पानी पीते हैं। लेकिन मोटे लोगों के लिए नारंगी पानी बहुत लाभकारी है, उनके फैट को गलाएगा ये। इसके साथ अगर किसी को उल्टी, जी मसलाना, पेट में दर्द अगर हो तो भी ये नारंगी पानी अगर हम पीते हैं तो उसमें भी हमें लाभ मिलेगा। और जो लकवा के रोगी है, पैरालिसिस के, तो उसमें तो ये रामबाण है। नारंगी रंग का पानी पीने को दिया जाता है, क्योंकि हमने इसका उपयोग जब प्राकृतिक चिकित्सा का मैं ट्रीटमेंट कर रही थी तब इसका उपयोग करके देखा है। ऑरेंज कलर की बोतल का पानी खाना खाने के बाद उनको दिया जाता था और लाल रंग के तेल की मालिश दी जाती थी, जिससे उनके जो रंग है, जो शरीर का रोग है, धीरे धीरे ठीक हुआ है। लेकिन साथ ही साथ उनके शरीर के प्रभावित अंगों पर लाल रंग की रोशनी का भी प्रकाश डाला गया है। हम लोग ऐसा बॉक्स बनवाते थे, अगर आपके घर में कोई मतलब कुछ हिस्सा अगर आपको देना हो तो लाल रंग का सेलोफेन पेपर लपेट करके उस अंग को धूप में रख दिया जाता है, थोड़ा सरका देते हैं ऐसा, बाकी सब ढक देते हैं, सिर्फ उसी अंग को हरे लाल रंग के सेलोफेन पेपर से ढक देते हैं,
जिससे कि उस अंग पर लाल रंग का प्रकाश पहुंचने लगता है और वहां पर लकवा की जो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, प्राण तत्वों का प्रवाह रुक जाता है, वो फिर चालू होने लगता है। एक दिन में तो देखिए कोई चीज़ का असर नहीं होता है, वो आपको लगातार करना पड़ता है कुछ समय तक। और कुछ महिलाओं को जो पीरियड में दर्द बहुत होता है तो उसमें नारंगी पानी पीने से लाभ मिलता है और लाल रंग के तेल की मालिश पेट में करने से दर्द में भी आराम आता है। अगर किसी महिला को पीरियड में कम रक्तस्राव हो रहा है तो भी लाल रंग या ऑरेंज कलर की बोतल का पानी बहुत लाभदायक है, उसमें भी ये लाभ पहुँचाएगा। और लाल तेल की मालिश पेट के निचले हिस्से में करने से उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ बच्चे रात में सोते समय पेशाब कर देते हैं बिस्तर में, उन्हें पता ही नहीं पड़ता है, तो उसमें भी नारंगी रंग का जो पानी है वो बच्चों को दिया जाए और साथ ही साथ या फिर नारंगी रंग की चीनी की डोज कुछ दी जाए तो वो पेशाब जो उनको अपने आप ऐसे हो रही थी, रोक नहीं पा रहे थे, वो उनमें वो ताकत क्षमता आ जाएगी, वो नींद में नहीं करेंगे। और साथ ही काली खांसी, काली खांसी आप देखा बच्चों को कितनी परेशान, सूखी खांसी जो हो जाती है उसमें बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं और वो जल्दी से जाती भी नहीं है, तो उसमें भी ये ऑरेंज कलर की बोतल का पानी या चीनी बहुत लाभ पहुंचाती है। उस समय हम अगर ऑरेंज कलर की बोतल में चीनी चार्ज करके रखते हैं, मान लो बारिश के दिनों में तो आप पानी कहाँ से पाएंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे तो पानी को चार्ज होने में लगते हैं। बेशक 6 घंटे में असर करने लग जाता है लेकिन उतना लगता है। अब जैसे यहाँ पर हर समय अभी बारिश हो रही है तो अगर हमारे पास चीनी होगी तो उसका प्रभाव तो मिलेगा, लाभ मिलेगा। 8 दिन तक तो वो चार्ज रहती है, फिर एक बार कम हो जाता है प्रभाव, पूरा नहीं जाता है। फिर उसके बाद जब धूप निकले तो फिर से आप रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए, फुल चार्ज हो जाएगी। तो हमें अगर ज़रूर इस समय अपने लोगों के लिए बारिश के समय के लिए शक्कर या होम्योपैथिक की प्लेन गोलियों को चार्ज करके रखना चाहिए, क्योंकि उस समय ये वही गोलियां काम में आती हैं। तो आपने देखा है कि लाल रंग का तेल मेन तो मालिश के काम में आता है, हाँ दर्द तो बहुत आसानी से ये दूर करता है, किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो तो ये मालिश के लिए बहुत अच्छा तेल है। लेकिन पीने के लिए तो नारंगी रंग की बॉटल, तो ज़रूर इसका उपयोग करके देखें, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को इसका पानी पीने के लिए बताया तो उन्होंने आके बताया कि हाँ मुझे आराम मिल रहा है। और मैंने बोला जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग इसका पानी पीने के लिए दे देते हैं तो उन मरीजों को भी लाभ पहुँचा है। बहुत सरल है इनका प्रयोग करना, आप खुद देख रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी ये बोतलें हैं, इनमें यहाँ तक इसमें तो तेल भरना है, वो भी सरसों तेल का केवल, और कोई तेल इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि मालिश के लिए यही 2 तेल अच्छे हैं। और इसमें शुगर या पानी भरते हैं तो वो भी इतना ही भरेंगे, इससे ज़्यादा इसमें काम नहीं करेगा, इतनी बॉटल तो खाली रखनी पड़ती है हमें, तो इतनी इसमें मैं भर के। और चार्ज में समय लगता है 45 डेज शुगर के लिए, और पानी तो एक दिन में हो जाता है, पर अगर पानी के प्रभाव को बढ़ाना है तो 2-3 दिन में और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो आपने देखा कि ये उपचार पद्धति कितनी सरल है और इससे आप आराम से घर में, देखिए छोटी मोटी बीमारियों को अगर हम समय रहते ठीक कर लें तो ये बड़ी बीमारियों में तब्दील नहीं होती हैं। जैसे सर्दी जुकाम ही है, अगर हम जल्दी ठीक कर लेंगे तो ये निमोनिया जैसे बड़ी बीमारियों में नहीं बदलेंगे, तो आप बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि इन चीज़ों का उपयोग करके आप अपने पैसे भी बचाएंगे, समय भी बचाएंगे और बिना कोई खर्च किए आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और दूसरों को बताएंगे, अपने लाभ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।